विद हनी एम्पायर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सबका मनपसंद सीजन स्पेशल गाजर का हलवा। गाजर का हलवा एक ऐसा डेजर्ट है जो सबको बहुत पसंद आता है, तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने ली है आधा किलो लाल गाजर, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी मलाई जो ताजा मलाई है, दूध के ऊपर की मलाई है ये, आधी कटोरी घी, एक कप दूध और एक से दो छोटी चम्मच इलायची पाउडर। गाजर का हलवा बनाते समय इस बात का याद रखिए कि गाजर थोड़ी मोटी और लंबी हो। सबसे पहले हम गाजर को, ये मैंने किसनी ली है, उसको हम इस बारीक साइड से ग्रेट करेंगे। इस तरह से हमें पूरी गाजर को ग्रेट करना है, किसना है। अभी गाजर ग्रेट हो गई है और जो घी है वो हम इसमें डाल देंगे और घी डालने के बाद इसमें हम ये पूरी गाजर इसमें डाल देंगे। गाजर को हमें घी में 10 से 15 मिनट तक भूनना है जिससे जो गाजर का कच्चापन निकल जाएगा, गाजर का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है, देखिए ऑरेंज हो गया है थोड़ा। हम इसे 5-10 मिनट और चलाएंगे। ये गाजर घी में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें मलाई डाल देते हैं। ये मैंने जो एक कटोरी मलाई ली है वो हम इसमें पूरी डाल देंगे। देखिए पूरी मलाई अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे अब। और जो मैंने ये एक कप दूध लिया है वो डाल देते हैं हम। अब इसे हमें जब तक पकाना है पूरा, जब तक ये मिलाई और दूध पूरा गाजर में सूख नहीं जाती है, पूरा उसको अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर लेती है, तो पूरा हमें जब तक अच्छे से इसको पकाना है और उसके बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो अभी इसको हमको 10 से 15 मिनट तक और ऐसे ही इसमें चलाना है। मिलाई और अच्छे से दूध उसमें मिक्स हो गया है, गाजर में पूरा सूख चुका है और हमें मिलाई और दूध नहीं दिख रही है। अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। मैं एक कटोरी पूरी शक्कर डाल देती हूँ उसमें और हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और शक्कर डालते ही देखिए ये फिर से घी छोड़ देगा, तो इसको हमें 10 मिनट और चलाना है जिसे पूरा घी इसको एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए शक्कर डालते से ये फिर से इसने पानी छोड़ दिया है, शक्कर की चाशनी बन गई है। आपने देखा होगा मैंने इसमें दूध बहुत कम लिया है, मिलाई ली है और घी लिया है, इससे ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो हमें इसमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है, कम दूध में भी गाजर का हलवा बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखिए अब यह हलवा बिल्कुल रेडी है, घी छोड़ने लगा है ये। हमने इसमें शक्कर डालने के बाद बस 5-10 मिनट चलाया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा ऊपर से मावा डाल रही हूँ। देखिए मावा भी अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें और हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। इसको हम बॉल में निकाल लेते हैं। गाजर का हलवा बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, ये एक सर्विंग लेने वाली हूँ। ये हमारी रेगुलर सर्विंग है, हलवा बनाते हैं हम, एक बॉल में लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, उसको खा लेते हैं। आज मैं आपको गाजर के हलवे से एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन बताऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा और उसका मैंने नाम रूहानियत दिया है। तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने काजू लिए हैं जो बारीक काट के रखे हुए हैं गाजर का हलवा, 2-3 स्लाइसेस पाइनएप्पल, अनार के दाने और ये मैंने काजू और बादाम को बारीक काट के रखा हुआ है। इसके लिए मैंने एक छोटा ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है। सबसे पहले मैं एक लेयर इसमें काजू की लगाऊंगी कलिया। अब इसके ऊपर मैं गाजर की एक मोटी लेयर लगाऊंगी। ये मैंने गाजर के हलवे की एक लेयर लगाई है। बहुत लोग गरम गाजर के हलवे के साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, तो मैंने उस आइसक्रीम की जगह व्हिप्ड क्रीम ली है,
तो मैं एक पतली सी लेयर व्हिप्ड क्रीम के लिए लगाऊंगी। इसे मैं व्हिप्ड क्रीम की एक पतली सी लेयर लगा देती हूँ। मैंने एक पतली सी व्हिप्ड क्रीम की लेयर लगाई है और इसके ऊपर मैं एक पाइनएप्पल की लेयर लगा रही हूँ। ये इसमें मैंने पाइनएप्पल की लेयर लगा दी है। अब इसको फिर से मैं व्हिप्ड क्रीम लगा रही हूँ उसके ऊपर। इसको व्हिप्ड क्रीम अच्छे से हम भर देंगे। व्हिप्ड क्रीम लगा दी है, इसके ऊपर हम थोड़े से अनार के दाने रख देंगे। ये चारों तरफ अनार के दाने रख देते हैं। बीच में ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये रूहानियत बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो घर में जरूर बनाइए और खाइए। आपकी रूह को इसने छुआ है। हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्प्रेड द स्वाद विद एवरीवन।